नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोग्रणी मंगलं कुंदकुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। दो सौ तेरह गाथा हो गई थी, 214 नंबर की गाथा भी हो गई थी, है ना। अब आज हाँ 215 चलेगी, भावार्थ हमने पढ़ा था कल, 15 गाथा चलेगी, 215 गाथा भावार्थ पढ़ा था। देखिए, अब मुनिजन को निकट का मतलब क्या होता है कि जो उनके जीवन में अनिवार्य रूप से होते हैं ना, आहार विहार वगैरह जो लिए थे, नाम बताए थे कल, है ना, तो वो सूक्ष्म परद्रव्य प्रतिबंध भी श्रामण्य के छेद का आयतन होने से निषेध है। माना उस वो अनिवार्य परिस्थिति होने पर भी, जैसे आहार की परिस्थिति अनिवार्य है, विहार की परिस्थिति अनिवार्य है, आवास की परिस्थिति अनिवार्य होने पर भी उसमें प्रतिबंध निषेध है, ना, उसमें राग नहीं करना, ऐसा उपदेश करते हैं। माने आप ये देखो कि कितना अद्भुत जीवन है वो, हाँ अद्भुत जीवन है कि भूमिका के विरुद्ध तो कोई आचार विचार होता ही नहीं, और जो भूमिका के योग्य होता भी है तो भूमिका के योग्य में भी राग का निषेध है, उसमें भी राग नहीं करना। ऐसे निर्लिप्त वृत्ति के धनी होते हैं। अभी देखिए यहां पे अनव्यार्थ पढ़ेंगे अपन। मुनि आहार में, छपण में माने उपवास में, आवास में माने निवास स्थान में, और विहार में, उपधि में, उपधि माने जो परिग्रह, परिग्रह माने मुनि के योग्य जो होता है। अभी देखो इसमें भी बहुत जबरदस्त बात आने वाली है। उपधि माने निषिद्ध परिग्रह कौन है और अनिषिद्ध उपधि कौन है, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गुरु के वचन को उपधि में लिया है। उपधि उपधि माने उस भूमिका में पाया जा सकने योग्य उपधि माने परिग्रह, यानी वो उपकरण जिसको बोलेंगे अपन, है ना, वो सब लेंगे उसमें। और श्रवण में माने अन्य मुनि में साथ में रहते हैं, इससे मैंने ये कल अपनी चर्चा हुई थी कि अन्य मुनि में माने एकल विहारी नहीं होते, अन्य मुनि में मतलब अन्य मुनि का साथ रहेगा वहां पे। अथवा विकथा, विकथा का कितना जोरदार अर्थ किया था, हा? विकथा क्या कहा था, विकथा किसे कहा था, तो देखो मुनिराज को राष्ट्र कथा, देश कथा, राज कथा, भोजन कथा वगैरह, स्त्री कथा, ये जो विकथाएं, चार भेद होते हैं ना, कि ये विकथाएं तो पाप बंध का कारण होने से ये तो मुनिराज की होती नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि शुद्धात्मा की कथा करते हो तो वो भी विकल्प रूप होने से विकथा है, विकल्प रूप कथा है वो, इसका नाम विकथा। अरे जहां शुद्धात्मा की कथा भी जिन्हें विकथा लगे, क्या कहा, अब सोचो जरा वो कैसी भूमिका होगी कि जहां शुद्धात्मा की कथा भी विकथा लगे, क्यों लगे, क्योंकि शुद्धात्मा की कथा में शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है, और शुद्धात्मा की अनुभूति में शुद्धात्मा का कथा की कथा नहीं है, है ना। मैंने शुद्धा आत्मा का, आत्मा के संबंध में बात कर रहे हैं तो आत्मा के संबंध में बात कर रहे हैं तो वो उपयोग परलक्षी है,
उसमें शुद्धोपयोग का आनंद नहीं है, शुद्ध परिणति है लेकिन शुद्धोपयोग का आनंद नहीं है। और शुद्धोपयोग का आनंद है तो वहां वचन रचना का विकल्प नहीं है। अरे अभी नियम सार जब पढ़ेंगे ना, नियम सार में तो इतना कठोर शब्द का प्रयोग किया है कि मुनिराज सब अनाचार को छोड़कर आचार में वर्तन करते हैं। क्या शब्द का, क्या शब्द का प्रयोग किया? सब अनाचार को छोड़कर आचार में वर्तन करते हैं। अब अनाचार का मतलब क्या किया वहां पे पता है? किसको कहा अनाचार? के जो विकल्प है उस भूमिका के योग्य विकल्प है, उस विकल्प को भी वहां अनाचार कहा। यह है मुनियों की अंतरंग की मस्ती कि जिसमें उस भूमिका के योग्य विकल्प भी उन्हें अनाचार लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा से बाहर निकला यानी अनाचार है। आत्मा में गया उसका नाम आचार है। ये नियम सार के शब्द हैं, मेरे नहीं है, आचार्य कुंद कुंद के। और ये तो पता ही है ना सबको कि नियम सार तो आचार्य कुंद कुंद ने निज भावना के निमित्त बनाया है। माने वास्तव में मुनिराज का अंतरंग क्या होता है अगर हमें यह समझना हो तो नियम सार पढ़ना पड़ेगा, है ना। प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद की मजबूरी थी। अब अज्ञानियों को उपदेश देना, समय सार की रचना करना वो मजबूरी है, वो कर्तव्य नहीं मानते उसे। कर्तव्य तो क्या है कि जहां ये कहा जाता हो कि अरे सट आवश्यक अनावश्यक है, आवश्यक एक आत्मा है, क्या वो है अंतरंग मुनिराज का, कि जहां उनको विकल्प मात्र अनाचार लगे। तो जब भूमिका के योग्य विकल्प भी अनाचार लगे तो भूमिका के बाहर के विकल्प का तो अवकाश ही कहां है। बराबर समझ में आ रही बात? हाँ चलो अभी वो भी दिखाऊंगा मैं, कहा था देखो बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी अपनी टीका देखो। श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत, सहकारी माने निमित्त, श्रामण्य पर्याय, श्रामण्य पर्याय माने क्या? सामान्य पर्याय माने भावलिंग, समझा गया? सामान्य पर्याय माने क्या? मुनिराज का प्रचुर स्व संवेदन रूप जो भावलिंग है, उस भावलिंग का सहकारी कारणभूत माने वहां निमित्त कौन है? निमित्त रूप में क्या है वहां पे? कि निमित्त रूप में नग्न दिगंबर यथा जात रूप शरीर है। ख्याल में आ गया? ये तो वो सहकारी कारणभूत शरीर की वृत्ति के हेतु मात्र से ग्रहण किया जाने वाला जो आहार, वृत्ति माने निर्वाह, टिकना, शरीर टिके बस इतना, ठीक है ना। तो उस निमित्त से, ये जानते हैं कि आहार से भोजन से कोई शरीर नहीं टिकता, लेकिन फिर भी जब तक शरीर को टिकना होता है तब तक उनको मुनि के योग्य अनुदिष्ट आहार लेने का विकल्प आता है। आहार का योग बने कि नहीं बने वो उनके हाथ में नहीं, लेकिन विकल्प आता है और विकल्प आने पर वो आहार के लिए निकलते हैं, है ना। ये एक एक प्रकरण बहुत जोरदार है, कैसा आहार होता है, किस तरह आहार के लिए निकलते हैं। तो उनने ऐसा लिखा है, मूलाचार में है ये भी, कि शरीर मात्र दिखाते हैं बस, ये नहीं ठहरते हैं वहां पे, तो निकल गए, विधि मिल गई ठहर गए, नहीं मिली आगे बढ़ गए। बहुत सारी उसकी पद्धति है किस तरह आते हैं वो। तो वो क्या होता है कि ग्रहण किया जाने वाला आहार एक, ये मुनिराज के जीवन में अनिवार्य रूप से होगा। अच्छा, तथाविद शरीर की वृत्ति के साथ, तथाविद, तथाविद माने क्या? देखो यहां पे लिखा, जैसा श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारणभूत, तथाविद शरीर की वृत्ति के साथ विरोध बिना शुद्धात्म द्रव्य में निरंग
और निस्तरंग विश्रांति की रचना अनुसार प्रवर्तमान जो छपन अर्थात शरीर के टिकने के साथ विरोध न आवे। ध्यान से सुनना, उपवास कैसे करते हैं कि शरीर के टिकने के साथ विरोध न आवे, इस प्रकार नंबर एक, और शुद्धात्म द्रव्य में विकार रहित और तरंग रहित स्थिरता होती जावे, तदनुसार प्रवर्तमान अनशन में। अनशन के दो दो दो, दो विधान है कि एक तो शुद्धात्म स्वरूप में तरंग रहित माने स्थिरता, शुद्धात्मा की स्थिरता बिगड़ जाए ऐसा उपवास का परिणाम नहीं आएगा, और शरीर को टिकने में बाधा पहुंचने लगे कि नहीं मैंने तो अभी ये तो करना ही पड़ेगा इतना, तो बोले कुछ ही हो जाए, है ना, आता है कि नहीं आता है ऐसा, इतने उपवास किए और फिर बाद में क्या हुआ, पारने के दिन ही ऊपर पहुंच गए, वो तो आयु क्रम भी छह होना था, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो बाहर की व्यवस्था है, मैंने ऐसी हठधर्मी किस काम की, समझ आ गया, मैंने उद्देश्य क्या था उपवास का, उद्देश्य क्या था, कि पंडित जी साहब ने लिखा मोक्षा प्रकाशक में कि ज्ञानी का ज्ञानी को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, काय की इच्छा है, शुद्धोपयोग की। अब अगर भोजन करके शुद्धोपयोग की साधना होती हो तो भोजन करते हैं, और भोजन नहीं करके शुद्धोपयोग की साधना होती हो तो भोजन नहीं करते। भोजन नहीं करना या करना यह कोई उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थी का प्रयोजन क्या होता है कि विद्यार्थी का प्रयोजन होता है पढ़ाई करना। अब अगर पढ़ाई करने में यदि उसको भोजन करके पढ़ाई होती हो तो भोजन करेगा, और भूखा रह करके पढ़ाई होती हो तो भूखा रहेगा। प्रयोजन क्या है, बस तो बस जो अब क्या हो क्या गया है कि प्रयोजन तो हो गया गोल और मात्र क्रियाकांड रह गया। इसने इतने उपवास किए इसलिए इसके इसका वो क्या कहते हैं, वो पारणा उद्यापन कराओ, उसकी साता पूछने जाओ, नहीं साता पूछने जाओ तो तुम कैसे क्रूर हो भाई, तेरी साता नहीं थी तो काय को किया भैया, है ना। और ये जो मतलब क्या है यार, उसको पूछो कि उपवास काय के लिए किया, कि बस वो तो 10 लक्षण चल रहे थे, तो मंदिर कितने दिन गया 10 लक्षण में, सदै कितने घंटे सुनी, जिनेन्द्र पूजन में कितने दिन कितने टाइम बैठा, समझा, ये सब नहीं, ये तो अपने लिए बात है। मुनिराज को तो ऐसा होता ही नहीं, मुनिराज तो हट रहित होते हैं। आदिनाथ भगवान को, उनको देखो, आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक तो उपवास का नियम लिया, ठीक है, और शरीर उनका इतना बलशाली होता है कि आजीवन भी उपवास करें अगर वो तो उनके बल में कोई हीनता नहीं आएगी, इतने बलशाली होते हैं। लेकिन फिर भी 6 महीने उपवास करने के बाद आर के लिए निकले, लगातार 6 महीने कुछ दिन आर के लिए निकले, 7 महीने कुछ दिन आर के लिए निकले, ऐसा 13 महीने, वैसे बोलते 12 महीने, लेकिन 13 महीने कुछ दिन ऐसे उसमें आर उनको मिला। रोजाना गए, क्यों गए, अवधि ज्ञान लगा के देख लेते पहले ही कि किस दिन मिलने वाला है, सोचो जरा, अवधि ज्ञान लगा के देख लेते ना, इतने रोज रोज खुद भी परेशान लोग परेशान, कि भाई उनको विकल्प आया और अपने विकल्प की पूर्ति के लिए चले गए, नहीं मिला तो खेद नहीं, और जिस दिन मिल गया उस दिन तो प्रसन्नता हुई होगी, कहे वाह चलो तो ठीक है भैया, अरे इतने दिन आहार मिलना नहीं था, और जब आहार मिलने का योग आया तो राजा श्रेयांश को स्वप्न आया, लेकिन उसी दिन क्यों आया, है ना। तो देखो, तो एक सहज जीवन होता है, विकल्प आया तो आहार के लिए निकल गए, मिले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन उस स्थिति को पैदा नहीं होगी कि शरीर चाहे टिके चाहे नहीं टिके, मुझे तो इतना उपवास खींचना ही है, ऐसी हट मुनिराज के जीवन में कभी नहीं होती, सहज जीवन चलता है। आर अगर विकल्प आ गया आर के लिए निकल गए, मिलना नहीं मिलना वो उदय के अनुसार है, उसमें उनके हाथ में कुछ नहीं है, और आर के लिए निकले रंतराय आ जाए, आर एक ग्रास लिया रंतराय आ गई तो क्या करेंगे, वो अलग मुद्दा है। बस इतना,
तो उन्होंने क्या कहा कि टिकने के साथ विरोध ना आवे, एक इस प्रकार, और शुद्धात्म द्रव्य में विकार रहित और तरंग रहित स्थिरता होती जाए, तदनुसार प्रवर्तमान अनशन में। जब मुनिराजों को भी ये बात कही गई तो सामान्य सम्य दृष्टियों को, मैंने श्रावक सम्य दृष्टि श्रावकों को, इनके लिए भी वो नियम लागू होता है कि नहीं होता? होता है। आगे आगे देखो, नंबर तीन, निरंग और निस्तरंग यानी अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि की प्रकष्ट सिद्धि के लिए सेवन किया जाने वाला जो गिरी कंदरादिक आवसथ में, माने उच्च पर्वत की गुफा इत्यादि निवास स्थान में, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, है ना, अरे कांजी स्वामी भी नहीं लिख के गए, 1000 साल पहले अमृतचंद्र आचार्य लिख के गए। अब जिनको लड़ना है वो अमृतचंद्र आचार्य से जाके लड़े कि साहब पंचम काल है, आपने ख्याल तो रखा होता कुछ हमारा, लिखा है ना साहब, क्या लिखा कि निरंग, क्योंकि अगर तुम ग्रस्तों की बस्ती में आए तो राग का रंग चढ़े बिना रहेगा नहीं, ये पक्का समझ लेना। क्यों? अरे चढ़ेगा नहीं, राग का रंग चढ़ा है तभी ग्रस्तों की बस्ती में रहने का भाव आया है, बिना राग के ग्रस्तों की बस्ती में रहने का भाव नहीं आता। आ गया, तो आ गया निरंग, और क्या लिया, निस्तरंग माने अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि, माने अपने त्रिकाली स्वभाव की प्रसिद्धि यानी प्रकष्ट सिद्धि, जो कभी भी इन ग्रस्तों की संगति में रहने से नहीं हो सकती। मुनि दशा के योग्य, श्रावक और सम्य दृष्टि के योग्य तो ग्रस्त दशा में हो सकती है, मुनि दशा के योग्य प्रकष्ट सिद्धि जिनको हुई, उनको इन रागियों के साथ रहने का विकल्प, रागियों की संगति का विकल्प, लौकिक जनों की संगति का विकल्प, मोहियों के साथ रहने का विकल्प नहीं आता है। तो प्रकष्ट सिद्धि उसके लिए क्या करते हैं, वो के लिए सेवन किया जाने वाला जो गिरिंद्र कंदरादिक में अवस्थ में, मतलब उच्च पर्वत की गुफा इत्यादि निवास स्थान में, यह है निवास स्थान। आगे कंदरा, गुफा, गिरी और कंदरा, और वो आपको बताई दिया था आत्मानुशासन का 197 में भी गाथा बताई थी ना एक दिन, हाँ, हिरण जिस तरह रात्रि में भय से भयभीत होकर के नगर के समीप आकर रहते हैं, इसी तरह कली काल में तपस्वी रात्रि समय नगर के समीप आकर, उस जमाने में रात्रि के टाइम पे आते होंगे, तब भी गुणभद्र सूरी को ये लिखना पड़ा, है ना, तब भी ये लिखना पड़ा तभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नगर निवास किसी भी कीमत पर मुनिराज के लिए स्वीकृत नहीं हो सकता, और महानगरों का निवास कि वहां तो सामान्य श्रावकों का दम घुटता हो, नामधारियों का भी, तो मुनिराजों की निर्दोष चर्या वहां पे सदे, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। लेकिन जिनको साधना हो उनको ये चिंता हो, ये एक समस्या है। पर्वत की गुफा आदि निवास स्थान में, आ गया, इसकी संस्कृत भी और देख लो, शुद्धात्म द्रव्य निरंग निस्तरंग विश्रांति सूत्रानुसारेण प्रवर्तमानेन छपणे, ये तो हो गया आर का उपवास का। फिर आया निरंग निस्तरंगांत रंग द्रव्य प्रसिद्ध्यर्थ ध्यास्यमाने गिरिंद्र कंदर प्रभृतावावसये, गिरिंद्र कंदरा ये शब्द का प्रयोग है, है ना। और इसमें भी देखो, ये जयसेनाचार्य की टीका में भी यही लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है
देखो ये नहीं आया ना, खमने वाका हो गया, फिर इसके बाद आ गया, हाँ देखो ये आया नीचे यहां पे, आ आ ये आया ना आवसधे, आवसधे है यहां पे लिखा होगा बीच में, मिल गया आवसधे, वाह देखो इसमें कितना बढ़िया लिखा उन्होंने कि परमात्म तत्वोपलब्धि सहकारी भूते, परमात्म तत्व की उपलब्धि में सहकारी कारणभूत गिरी गुहाध्यवसते, वाह गिरी गुफा में निवास करते हैं, है ना, तो जो बराबर है ये सब शास्त्र में लिखा है, पंचम काल के अंत तक होंगे ना वो ऐसे संत होंगे पंचम काल के अंत तक, आ गया। आगे देखो कि यथोक्त शरीर की वृत्ति की कारणभूत भिक्षा, जब एक बार ये जब पत्रिका निकलती थी मंगलायतन, तब एक जगह भिक्षा वृत्ति शब्द का प्रयोग किया था, तो कुछ लोगों ने ऐतराज किया, अरे साहब क्या बात करते हो, मुनिराज की आरचर्या को आप भिक्षा वृत्ति कह रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे हमारे पिताजी कह के गए। कौन? मैंने कहा आचार्य कुंद कुंद, सबके धर्म पिता है ना वो। मैंने कहा वो कह के गए, ये लिखा देखो यहां पे, भिक्षा का मतलब क्या, ये क्या हर शब्द का अवमूल्यन हो गया। अब इन पीले कपड़े वालों को भट्टारक कहने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, भट्टारक शब्द भगवान के लिए आया, अरंत अरंत परमेश्वर भट्टारक शब्द का प्रयोग किया, अब किसी ने उस शब्द का अपहरण कर लिया और अपने लिए प्रयोग कर लिया, तो हम क्या करें उसको, भिक्षा वृत्ति ये शब्द का प्रयोग, यथोक्त शरीर की वृत्ति की कारणभूत भिक्षा के लिए दूसरों के द्वारा आहार लिया जाता है ना, दूसरों के द्वारा ग्रहण करते हैं दूसरों से, तो भिक्षा के लिए किए जाने वाले विहार कार्य में, आर के लिए निकलेंगे तो विहार कार्य में, नंबर 5 श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं है ऐसे केवल देह मात्र परिग्रह में, क्या कहा कि श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण है ये शरीर, जब तक रहेगा श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण है, तो ऐसे देह मात्र परिग्रह का निषेध नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा अन्य कुछ भी जोड़ने का, रखने का, रखाने का, रखने की अनुमोदना करने का निषेध है। देखो मुनिराज के जो पांच पापों का त्याग होता है ना, तो वो अकेला कृत, खाली अकेला करने, पाप करने रूप त्याग नहीं होता है, करने का त्याग, कराने का त्याग, अनुमोदन का त्याग, मन से त्याग, वचन से त्याग और काय से त्याग, माने नौ कोटि से त्याग होता है ना। तो वो खुद परिग्रह नहीं रखते, किसी से रखाते नहीं, है ना, किसी के परिग्रह की अनुमोदना नहीं करते, मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते और काय से नहीं करते, मन से करते नहीं, कराते नहीं, अनुमोदना नहीं करते, वचन से करते नहीं, कराते नहीं, अनुमोदना नहीं करते, काय से करते नहीं, कराते नहीं और अनुमोदना नहीं करते। आगे समझ में कि कितना परिग्रह उनके, देह मात्र परिग्रह, कमंडल पीछे तो देह के अंतर्गत अंतर्भाव हो जाता है उनका, क्योंकि सोच के उपकरण के रूप में कमंडल का प्रयोग होता है और संयम के उपकरण के रूप में पिछी का प्रयोग होता है, समझ में आ गया। तो देह मात्र परिग्रह में उसमें भी ममत्व नहीं। नंबर 6 मात्र अन्योन्य, अन्योन्य का मतलब क्या कि एक दूसरे को बोध्य बोधक रूप से जिनका कथनचित परिचय वर्तता है मुनिराज, अन्य मुनिराजों के साथ में। देखो ऐसे श्रमण माने अन्य मुनि में, अन्य मुनि में क्या होता है कि एक दूसरे को बोध्य बोधक माने आपस में एक दूसरे के साथ तत्व की चर्चा, बोध्य बोधक माने मुनिराज का क्या संबंध है दूसरे मुनिराज से, मुनिराज का क्या संबंध है कि परस्पर में धर्म चर्चा करते हैं और कोई संबंध नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना, और कोई लेना देना नहीं है उनका। तो ऐसे श्रवण में माने अन्य मुनि में। और नंबर 7 शब्द रूप पुद्गलोल्लास
माने पुद्गल पर्याय के साथ संबंध से जिसमें चैतन्य रूपी भित्ति का भाग मलिन होता है, ऐसी शुद्धात्म द्रव्य से विरुद्ध कथा में भी प्रतिबंध निषेध्य माने त्यागने योग्य है। इतनी इतनी चीजों में ये हो सकती है, लेकिन होने पर भी इनमें क्या करना कि प्रतिबंध त्यागने योग्य है। इनमें राग करने लायक नहीं है, अनुराग करने लायक नहीं है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा उसका प्रतिबंध उन मुनिराजों को नहीं बरतता है। अर्थात उनके विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। आगे क्या होगा शरीर का, इस शिष्यों का क्या होगा, कल आहार की व्यवस्था का क्या होगा, उसका क्या, हमारे आवास का क्या होगा, एक कोई चिंता नहीं। विहार करते करते जहां रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया, वहीं अपना आसन जमा दिया। क्यों? क्योंकि दिगंबर हैं वे, दिशा ही जिनका अंबर है ना, इतने निर्लिप्त होते हैं। ये बात आचार्य कुंद देव ने सात जगह उनको प्रतिबंध नहीं होता माने अनुराग नहीं वर्तता, ये सब चीजें होती है जीवन में, अनिवार्य रूप से होती है, लेकिन इनमें भी प्रतिबंध नहीं होता। इसका मतलब क्या कि जो भूमिका के अनुसार होने वाली क्रिया इन चेष्टाओं में भी प्रतिबंध से रहित है, तो भूमिका के विरुद्ध की तो बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो बहुत गजब का ये भावार्थ पढ़ ही लिया था, इसलिए कोई इसकी दिक्कत नहीं है। आगे देखो अब छेद क्या है। अब इतनी देर से छेद संयम का, छेद संयम का, छेद ये बात आ रही है ना, कि छेद है क्या चीज। हाँ अर्थात छेद किसे कहते हैं, कि उसका उपदेश करते हैं। देखो अपयत्तावाचरिया शरणादीसु समणस्य सर्वकाले हिंसावा संतयति मदा आशन शयन गमनादिके चरिया प्रयत्न विहीन जे ते जानवी हिंसा सदा संतान वाहिनी श्रमण ने। क्या संतान वाहिनी, धारावाही, धारावाही हिंसा वो कह रहे, गजब की बात कह रहे। देखो इसमें ये छेद क्या होता है उसकी बहुत अच्छी बात है। देखो ये बोध्य बोधक की बात आई थी ना, उसमें ये लिखा है इन्होंने कि बोध्य वह है जिसे समझाया है अथवा जिसे उपदेश दिया जाता है, और बोधक वह है जो समझाता है अर्थात उपदेश देता है। मात्र अन्य श्रमणों से स्वयं बोध ग्रहण करने के लिए अथवा अन्य श्रमणों को बोध देने के लिए मुनि का अन्य श्रमण के साथ परिचय होता है। बस धार्मिक तत्व चर्चा के हिसाब से संघ में रहते हुए भी मुनिराजों का परिचय होता है, बाकी उनको उनसे अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो क्या हुआ कि घर के परिवारों का मोह, घर के परिवार के लोगों का मोह छोड़ा और यहां संघ के लोगों का मोह बढ़ा लिया, तो घर परिवार में तो मुश्किल से 2-5-10 लोग होंगे और संघ में तो बहुत भारी भारी संघ भी हो सकते हैं। तो फिर अगर मोह ही बढ़ाना था तो 10-5 लोगों का मोह छोड़ के 100-500 लोगों का मोह क्यों बढ़ाया, फिर क्या तकलीफ थी? जब मोह ही करना था वही कर लेता फिर। ये है आगे देखो, अभी ये जो छेद की बात आई बहुत अच्छी गाथा है और बहुत समझने लायक प्रकरण है। श्रमण के शयन आसन माने बैठना, स्थान माने खड़े रहना, गमन इत्यादि में जो अप्रयत चर्या है, आ गया, अप्रयत चर्या है माने प्रमाद रही, प्रमाद युक्त चर्या है, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन नहीं है, अप्रियत चर्या है, वह सदा मन सतत हिंसा मानी गई है।
क्या मतलब? कि भले ही किसी जीव की विराधना तुम्हारे इन कार्यों के निमित्त से हो कि नहीं हो, वो तो उनके आयु कर्म के अधीन है। कोई जीव नहीं मरा कि वो तो उसके आयु कर्म के अधीन है, लेकिन आपकी जो कौन सी चर्या, अप्रयत चर्या है, मतलब तुम प्रयत्न रहित जो तुम्हारी चर्या है, आलमा गया नहीं आ गया, तो उससे आपको तो सतत पाप का बंध होगा ही। हिंसा हो नहीं हो, अप्रियत चर्या। और हिंसा कैसी लिखी? सतत हिंसा मानी गई है, निरंतर हिंसा हो रही, क्योंकि प्रमाद है, खत्म हो गया ना, दोष क्या आ गया? सभी आ गया, खत्म हो गया, क्या बचा? जब जब प्रमत्त चर्या सतत हिंसा मानी गई है, ये कह दिया, तभी क्या बचा? इसलिए देखो मुनिराज, जब ही भूमाही पिछली रैन में कछु शयन एकासन करण, ये एकासन करण का मतलब एक करवट से शयन करते हैं, वो भी भूमाही पिछली रैन में। क्यों एकासन क्यों भाई, करवट क्यों नहीं बदलते? क्योंकि अगर करवट बदलेंगे तो कोई जीव वहां पे मरेगा। एक करवट से, और निद्रा भी ऐसी निद्रा नहीं जैसी हम और आप लेते हैं, योग निद्रा बोलते हैं उसे, मैंने जागते हुए सो रहे हैं, सोते हुए जाग रहे हैं, ऐसी निद्रा नहीं होती कभी कभी अपनी, कभी आज आंख तो लगी थी लेकिन पता नहीं नींद नहीं आई ढंग से, पर वो ऐसी निद्रा होती है। आ गया, ये बहुत अच्छी है। अब देखो इसका इसका भी पहले भावार्थ लो, भावार्थ पहले लो, फिर उसका वो टीका पढ़ेंगे। भावार्थ, अशुद्धोपयोग से शुद्धोपयोग रूप मुनित्व छिदता है, अशुद्धोपयोग से शुद्धोपयोग रूप मुनित्व छिदता है। नंबर एक, हनन होता है इसलिए अशुद्धोपयोग, नंबर एक छेद ही है, नंबर दो हिंसा ही है। आ गया अशुद्धोपयोग माना, आ गया ना, मुनि की भूमिका के योग्य परिणाम नहीं होना, उनकी भूमिका से विरुद्ध। देखो ऐसे तो मुनिराज कोई ये प्रश्न कर सकता है कि साहब मुनिराज की भूमिका के योग्य परिणाम भी तो अशुद्धोपयोग है, वो भी तो राग है, राग है ना, तो वो गाथा याद करो जिस दिन मैंने गुरुदेव का प्रवचन आपको पढ़ाया था, पढ़ाया था कि उस निर्विकल्प भूमिका के योग्य यदि मुनि पद के योग्य राग है तो चरणान योग उसे अशुद्धोपयोग नहीं कहेगा। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन से पढ़ाया था ना, उसे शुद्धोपयोग, मतलब हालांकि राग तो अशुद्धोपयोग ही है लेकिन उस शुद्धोपयोग उस मुनिराज की भूमिका के योग्य है तो चरणान योग उसे शुद्धोपयोग के खाते में डालेगा। आगे समझना ये है, और इसमें तो गुरुदेव का बहुत अच्छा प्रवचन भी है, बहुत संत 52-53 का जो गुरुदेव का प्रवचन है, सदगुरु प्रवचन प्रसाद में प्रकाशित हुआ है। और अशुद्धोपयोग यहां पे किसे का, उस भूमिका से विरुद्ध जाति का परिणाम आ गया, मर्यादा आ गई बाहर का। तो ये अप्रमत्त चर्या क्या है, अप्रयत चर्या क्या है, तो ये विकल्प आ गया, तुम बिना देखे चल रहे हो, ये सब आ गया ना। तो वो कहते हैं कि भाई अशुद्धोपयोग उसमें क्या लिया, हनन होता है ना, ये आ गया ना, इसलिए अशुद्धोपयोग क्या है कि वो छेद ही है। अशुद्धोपयोग माने भूमिका के विरुद्ध का राग, कि वो मुनि दशा का छेद ही है, हिंसा ही है। हिंसा तो भूमिका के अनुसार का राग भी है, समझा गया? दूसरी भाषा में कहूं तो अहिंसा महाव्रत भी हिंसा है। नहीं गले उतरी, नहीं राग, अरे राग की उत्पत्ति को हिंसा का अग्नि का ये बताओ कहा ना, तो अध्यात्म तो राग की उत्पत्ति को हिंसा कहेगा लेकिन चरणान योग उसे हिंसा नहीं कहेगा। चरणान योग किसे हिंसा कहेगा, कि इस महाव्रत की भूमिका को भी लांग गए,
अप्रियत आचरण में चले गए, कहते हिंसा। नहीं तो राग मात्र को हिंसा कहा पुरुषा सिद्धि उपाय में, तो कि राग आदि भावों की उत्पत्ति होना उसका नाम हिंसा है, और राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। यह जिनागम का संक्षेप है। तो शुभ राग हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? दया का भाव हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? स्वरूप की तो हिंसा है, लेकिन उस भूमिका का घातक नहीं है। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका का घात नहीं करता। देखो, उस भूमिका का घात नहीं करता, अगली भूमिका प्रकट नहीं होने देता, लेकिन उस भूमिका का घात नहीं करेगा। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका चलती रहेगी, सातवें गुणस्थान से आगे नहीं जाएंगे। आगे बात समझ में? इसलिए उसे अशुद्धोपयोग में नहीं गिना, चरणानियोग में आ गया। या इनको अशुद्धोपयोग में इसको गिना। और जहां सोने, बैठने, खड़े होने, चलने इत्यादि में अप्रियत आचरण होता है, वहां नियम से अशुद्धोपयोग तो होता ही है। क्योंकि भाई साहब, अगर अशुद्धोपयोग माने भूमिका के विरुद्ध परिणाम नहीं होता तो ऐसा आचरण कैसे होता? मुनिराज, तो सटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी। और इसमें एक बहुत मार्मिक बात समझना, कि छह काय के जीव कौन कौन से होते जरा बताओ मुझे। पांच स्थावर एक और एक तरस, गजब हो गया। छह काय के जीवों में ध्यान से सुनना, स्थावर काय की पांच काय बनाई है, माने छह काय में से पांच काय पर अधिकार किसने जमाया? एक इंद्री ने। कि जिनमें हड्डी नहीं होती, ध्यान से सुनना अभी जरा, जिनमें हड्डी नहीं होती, जिनमें खून नहीं होता, और जिनके भक्षण में मांस भक्षण का दोष नहीं होता, ध्यान से सुनना जरा। बहुघात अभक्ष होता है, आलू बहुघात अभक्ष है, मांस भक्षण नहीं है। क्या कहा? मांस भक्षण नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा से बात कर रहा हूं मैं, है ना अभी, ठीक है। और दो इंद्रिय से मांस भक्षण का दोष लग जाएगा। कोई दो इंद्रिय जीव की हिंसा करे, मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, कि जिनके जिनकी हिंसा में मांस, जिनकी हिंसा में या जिनके भक्षण में मांस भक्षण का दोष लगे, कि भाई साहब ऐसे जीवों के लिए सिर्फ एक काय नहीं, त्रस काय करके बस सबको एक फाइल, सबकी एक फाइल बना दी, और स्थावर काय के लिए पांच। बहुत गहरा मर्म है इसके पीछे। देखो भैया, गलती क्या हो रही है हम लोगों की, और होना क्या चाहिए? कि हम मुनिराज का माप तो त्रस हिंसा के त्याग से कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, और श्रावकों का माप स्थावर हिंसा के त्याग से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुनिराज का माप कभी भी त्रस हिंसा के त्याग से नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि भाई त्रस हिंसा वो स्थूल हिंसा है, वो तो तुमको हमको दुनिया को दिखाई देगी कि हिंसा कर रहा है। ठल में आ गया ना, आपने एक मच्छर मार दिया तो दुनिया को दिखाई देगी कि कैसा अत्यारा है ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और आपने एक मग पानी डाल दिया और किसी ने डांट दिया तो कहेगा घी घी गिरा दिया क्या मैंने, पानी तो गिराया, घी गिरा दिया क्या, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आगे समझ में? आगे समझ में? अब तो अभी क्या होता है कि जो दुनिया को हिंसा दिखाई देती है, कि ऐसी स्थूल हिंसा का त्याग तो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक को होता है ना। अब हम श्रावक में तो स्थावर हिंसा का त्याग देखना चाहते हैं, और मुनिराज में क्या देखेंगे अपन? मुनिराज में त्रस हिंसा का त्याग देखेंगे। और एक इतना भाई साहब, मुनिराज का माप कभी भी त्रस हिंसा के आधार पर नहीं होता, मुनिराज का माप होगा स्थावर हिंसा के त्याग के आधार पर। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा है, इसलिए उसकी पांच काय है।
और ये स्थूल हिंसा है, समझा गया, एक काय में इसको पूरा किया है ना। श्रावक की भूमिका में त्रस्त हिंसा का त्याग होता है, आरंभी उद्योगी और विरोधी का नहीं होता, वो भी संकल्पी का, और स्थावर हिंसा से तो श्रावक बच ही नहीं सकता। आ गया। और मुनिराज त्रस्त हिंसा का तो त्याग श्रावक दशा में ही हो चुका, तो जो काम श्रावक दशा में हो चुका उसको मुनिराज के खाते में क्यों गिन रहे हो? अब मुनिराज की महानता तो यह है कि वो स्थावर हिंसा से भी बचते हैं, और इसीलिए मुनिराज अपने निमित्त से प्रासुक किया हुआ एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करते। अगर मुनिराज के निमित्त से पानी गर्म किया, नहीं करते ग्रहण। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो स्थावर हिंसा के त्यागी हैं। कि ग्रस्त का ग्रस्त को पानी, ग्रस्त पानी गर्म कर सकता है, क्योंकि उसको स्थावर हिंसा का त्याग नहीं, उसको मात्र त्रस हिंसा का त्याग है। और त्रस हिंसा में भी आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है वो, है ना। इसलिए मुनिराज एक बूंद पानी भी अगर उनके निमित्त से गर्म किया है, प्रासुक किया है, मुनिराज नहीं लेंगे। ग्रस्त अपने लिए करे और मुनिराज को दे, मुनिराज लेते हैं। हालांकि एक चीज और ध्यान से सुनना, झरने का बहता हुआ पानी, वो सब प्रश्न हो सकता है। ये सब पे प्रमाण आपको इसलिए दे रहा हूं कि जो आगम की मर्यादाएं हैं, हमें हर मर्यादा स्वीकार है, लेकिन आगम के विरुद्ध अगर एक भी मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, फिर चाहे कितना ही बड़ा कोई भी सामने क्यों ना हो। तो अभी किसी को प्रश्न हो सकता है कि मुनिराज जंगल में है और मुनिराज के कमंडल में पानी नहीं है, है ना। तो वो जो झरने का जो बहता हुआ पानी है ना, पहाड़ी से गिरता हुआ वैसा कोई पानी है, वो प्रासुक होता है। पत्थर से टकरा करके जो पानी आएगा वो जल प्रासुक होता है, उसका यूज करते हैं। ये सब लिखा है मुनि दशा के प्रश्नोत्तर, पढ़ना। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, पढ़ना उनमें। ये सब प्रमाण दिए हैं कि ये सब कहां लिखा शास्त्र में। अब वो अभी तो अपने अभी तो दिमाग में इतना एक एक चीज याद नहीं रहेगी, लेकिन वो आपको प्रमाण उसमें सब मिलेगा। ये प्रश्न भी उठाया कि जंगल में क्या करे फिर, अब पानी की तो आवश्यकता, सोच के लिए जा रहे हैं तो पानी की आवश्यकता क्या करे। सब विधान है शास्त्र में, व्यवस्था भी होती है, जो भी हो हर चीज का विधान है, लेकिन अनर्गल प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो यहां पे कहा हिंसा ही है, तो ये आ गया ना, पांच काय छह काय की बात आई तो आ गया। जी नहीं, प्रासुक है वो, मर्यादा तो है ना, बाद में तो मर्यादा है ना, उस समय मर्यादा, उस समय उनको तो यूज करना है, बाकी उनको स्टॉक कहां रखना है, ऐसा है जी। हाँ? इसलिए अप्रमत्त आचरण, अप्रमत्त अप्रयत्त आचरण छेद ही है, अर्थात हिंसा ही है। समझ आ गया। अब इसी गाथा की टीका पर अपन कल की स्वाध्याय में चर्चा करेंगे।